नमस्कार जी, आज हम मसाला पूरी और आम रस बनाएंगे। इस मौसम में आम रस और मसाला पूरी का मजा ही कुछ और है। तो आइए पहले शुरुआत करते हैं आम रस से। इसमें हमें क्या क्या सामग्री लगेगी वो इस प्रकार है। मैंने इस तरीके का, इसका क्वालिटी में लंगड़ा आम कहते हैं इसको, इसके मैंने 4 आम लिए हैं, इनका पल्प निकाल लिया है। चीनी ली है, आम जितना मीठा हो, जितना मीठा आपको खाना हो उस हिसाब से आप इसमें शक्कर डालें। और ये मैंने 1 चम्मच नारियल का बुरादा लिया है, ये ऑप्शनल है, यदि आपको पसंद हो तो डालें और नहीं पसंद है तो ना डालें, लेकिन मैंने इसको डाला था, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 2 चम्मच हम घर की ताजा फ्रेश मलाई डालेंगे जिससे इसका स्वाद बहुत बढ़ जाएगा। और 4 इलायचियां, हरी इलायची है, इसको 4 इलायचियों को पीसते समय डालेंगे। अब हमने इसमें डाली है ये 3 चम्मच शक्कर। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच ये नारियल का बुरादा, इसको भर के डाल देंगे। अब ये हम इसमें 4 इलायचियां डाल देंगे कूट के, छिलके समेत। अब हम इसमें 2 चम्मच भर भर के मलाई डाल देंगे। यदि आप मलाई डालना चाहें तो मलाई डालें, मलाई फ्रेश ना हो तो दूध भी डाल सकते हैं 2-4 चम्मच, और अगर दूध ना हो तो मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, अब हमारा ये आम पीस के तैयार हो गया है। इसको हमने ग्राइंड कर लिया है, इसको हम इसमें ट्रांसफर कर देंगे डोंगे में। अब देखिए, हमने इसको डोंगे में निकाल लिया है और अब इसको हम 3 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये जितना ठंडा होगा उतना ही स्वादिष्ट लगेगा। आइए अब बनाते हैं मसाला पूड़ी, जिसके लिए हम आपको आटा और उसका रेशो दिखा देते हैं। आइए अब मसाला पूरी के लिए आटा तैयार करते हैं। ये 2 कप आटा है, मैं 3 लोगों के लिए बना रही हूँ तो उस हिसाब से मैंने आटा लिया है। आप जितने लोगों के लिए बनाएं उतना कम और ज्यादा सामग्री कर सकते हैं। ये 2 कप आटा है, इस कप से मैंने 2 कप इसको भर भर के नाप लिया है इसका। ये 1/2 कप बेसन है, 1/2 कप सूजी है, 1 चम्मच ये लाल मिर्ची, मसाला पूरी है तो थोड़ी मिर्च मसाले वाली, थोड़ा सा ये जीरा पाउडर है, थोड़ा सा ये साबुत भुना हुआ जीरा है, इसको करीब 1 चम्मच के करीब डालेंगे। इसको भी हाथों से यूं कर देंगे थोड़ा। 1 चम्मच ये जवाइन है, इसको हमने हाथों से मसल के रखा हुआ था। ये थोड़ा सा भुना हुआ धनिया है 2 टुकड़ों में, जो इसको दरड़ के रखा है थोड़ा सा। अब इसमें हम 1 चम्मच ये चिली फ्लेक्स डाल देंगे। अब इसमें हम थोड़ी सी हींग डालेंगे, हींग से इसका फ्लेवर, हींग का इसमें बहुत अच्छा आता है, इसलिए हींग थोड़ी मैंने ज़्यादा ही डाली है। नमक स्वाद अनुसार डालेंगे, मैंने इसमें 1 चम्मच के करीब नमक डाला है। अब इसमें लास्ट में इसमें डालेंगे घी, रिफाइंड डाल रही हूँ मैं इसमें, 1 चम्मच डालेंगे जिससे ये खूब खस्ता करारी बनेंगी। तो पानी तो ले लो। अब इसमें हमने आटे में सारी सामग्री मिला दी है। अब इसको हम पूरी के लिए आटा लगा लेते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे गूंथेंगे। अब ये देखिए, हमारा आटा गूंद के तैयार हो गया है। इसमें हमने सूजी डाली है, इसलिए इसको सूजी अभी फूलेगी, इसे 1/2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 1/2 घंटे के बाद हम मसाला पूरी बनाएंगे। ये देखिए, आम रस हमारा ठंडा हो चुका है, 3 घंटे हो गए हैं तो, और आटा भी हमारा रेस्ट कर चुका है, तो अब हम मसाला पूरी बनाना शुरू करते हैं। आइए, अब ये देखिए, मैंने सारे पेड़े बना लिए हैं इस तरीके से लोई बनाकर, और अब हम पूरियां तलने के लिए तैयार हैं ये बिल्कुल। और जब मैंने इसको आटे को अभी मसला है तो मैंने इसमें कसूरी मेथी भी डाली है थोड़ी सी, उसका भी फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। और अगर आप चाहें तो इसमें उबला हुआ एक आलू भी कद्दूकस करके ग्रेट करके डाल सकते हैं, उससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। अब हम इनको फ्राई करके दिखाते हैं। चलिए, अब हम इसको तेल में डालते हैं। तेल काफ़ी गर्म है, पूरियां तलने के लिए बहुत गर्म तेल भी चाहिए होता है। तो इसको ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे इनको दबा दबा के फुलाएंगे। अब ये देखिए, हमारी मसाला पूरी बन के तैयार है। अब इसकी हम प्लेटिंग करते हैं और बाकी की पूरियों को भी इसी तरह मैं बना लूंगी।
और इसको इन पूरियों को आप सफर में भी ले जा सकते हैं, बड़े आराम से हींग के अचार के साथ लेके जाइए, ये बिल्कुल ऐसे ही खाने में बहुत स्वादिष्ट रहेंगी और सफर में इसको आराम से खा सकते हैं। अब ये देखिए मसाला पूरी और आमरस बन के तैयार है, और आप भी खाइए, अपने यहाँ बनाइए और हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा।